हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय शाक्य है और मैं लेट्स एक्ट एक्टिंग स्टूडियो का फाउंडर हूँ। हमारे इस एक्टिंग स्टूडियो में बच्चों को एक अलग तरीके से नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है ये हम सिखाते हैं। दोस्तों, एक्टिंग एक कला है, एक आर्ट है। यह आर्ट सभी के पास नहीं होता और कई बार जिनके पास ये कला होती है वो इसे पहचान ही नहीं पाता। आपके अंदर की एक्टिंग की कला को बाहर निकालने के लिए और आपको एक बेहतरीन कलाकार बनाने के लिए हम इस एक्टिंग स्टूडियो में काम करते हैं। विनय शाक्या लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो इस यूट्यूब चैनल द्वारा आप सभी को एक्टिंग जैसे कला के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे जहां आपको यहां आकर एक्टिंग कोर्स करने का मन करेगा। आपके अंदर छुपा हुआ कलाकार इसके ज़रिए हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक्टिंग के 9 इमोशंस क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तैयार हो आप? दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक्टिंग की टेक्निक कोई भी हो, उसमें इमोशन और एटीट्यूड सबसे ज़रूरी तत्व होता है। उन्हें एक्टिंग के नवरस कहते हैं। अगर आप में से किसी ने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ा हो तो उन्होंने अपने इस शास्त्र में भी इन रसों का मतलब इमोशंस का उल्लेख किया है, जो अभिनय की सबसे पुरानी किताब है। अगर आप एक्टर बनने की राह पर एकदम सीरियस है तो आपको इन 9 इमोशंस और एटीट्यूड को समझना होगा। आप दिन में कई लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग एटीट्यूड और अलग अलग इमोशन के साथ होते हैं, मगर आप उनमें से कितने इमोशंस पहचान पाते हैं? दोस्तों, एक्टिंग करते वक्त इमोशन और एटीट्यूड का सही सिलेक्शन ही आपको एक अच्छा एक्टर बनाएगा। अगर आप सही एटीट्यूड के साथ सही इमोशन नहीं चुनेंगे तो आपकी लुक फेक लगेगी, जो देखने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इमोशंस ही एक फिल्म के कैरेक्टर के व्यवहार को और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। हास्य रस, कॉमेडी, जो लोगों में हंसी पैदा करता है और आपको खुशी देता है, उसे हास्य रस कहते हैं। इमोशन में जब कुछ अनोखा, तेजी से विसंगत और अपने उच्च स्तर पर होता है, कुछ अनोखा, अप्रत्याशित और विपरीत रिएक्शन हास्यास्पद होती है। और इस इमोशन की प्रैक्टिस और प्ले करने के लिए आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड और ग्रेट टाइमिंग का सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। अद्भुत रस, वंडर, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सिचुएशन का सामना करता है जैसे कि जादू, अंतरिक्ष से कुछ चीज़ गिरना, या आसमान में या कुदरती माहौल में कुछ ऐसा अद्भुत दिखता है कि वो अचंभित महसूस करता है, उसे अद्भुत रस पैदा होता है। आंखें बड़ी, भौहें उठी हुई और मुंह खुला हो तो इस सिचुएशन की पहचान होती है। भय रस, डर, ये इमोशन जो उस स्थिति में पैदा होता है जब आप किसी का खून देखते हैं, या फिर रात में शमशान में जाने से, या सन्नाटे में अचानक कोई डरावनी आवाज़, या कुछ खौफनाक देखने से भय रस पैदा होता है। शांत रस, इस इमोशन को समझने के लिए हमें शून्य की स्थिति का एहसास करना ज़रूरी है। जैसे किसी पादरी या पुजारी उपदेश देते वक्त जो उनके चेहरे पर शांति के भाव झलकते हैं, वही शांत रस। हेलो, कौन है? भगवान। दुख, करुण रस, सैड, किसी की मौत, टूटे दिल और प्यार से हारना, ऑडिशन या एग्जाम में फेल होने से जो एहसास पैदा होता है उसे करुण रस कहते हैं। यहाँ एक चीज हम आपको बता दें कि इस रस को परफॉर्म करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आपकी लय ताल धीमी हो जाती है और आपको इमोशनली बहुत कमजोर दिखाना होता है। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे।
बाबूमशाय बाबूमशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। श्रृंगार रस, लव, किसी के साथ लगाव, अटैचमेंट से पैदा हुआ एहसास ही प्यार या श्रृंगार रस कहलाता है। प्यार की पहचान खोया खोया, टिमटिमाती आंखें, किसी से बात करते वक्त वर्तमान स्थिति में ना होना, यही प्यार या श्रृंगार रस की पहचान है। रौद्र रस, आता माजी सटकली, जब कोई किसी के साथ धोखा करता है, किसी को गाली देता है या किसी के साथ कोई कुछ बुरा करता है, बदले की भावना हो तो उसके रिएक्शन से पैदा हुए इमोशन को रौद्र रस कहा जाता है। इस इमोशन में चेहरे पर तीव्र गुस्सा दिखाई देता है, कई बार आंखें और चेहरा लाल हो जाता है। कि मेरी एक आवाज पर ये तेरा क्या करेंगे अभी के अभी, पतलून तो तेरी गीली हो गई अभी के अभी, मुझे छुआ भी तो ये लोग तुझे काट डालेंगे। विभत्स रस, डिस्गस्ट, जो रस कुछ गंदा देखने, गंदा सुनने या गंदा सूंघने से पैदा होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऐसी फीलिंग जिसमें आपको किसी जानवर या इंसान की सड़ी गली लाश देखने से जो स्थिति महसूस होती है वही। वीर रस, ब्रेव, इस रस को हम उस स्थिति में समझते हैं जब कोई फौजी या योद्धा युद्ध में जाने के लिए तैयार है, एक उत्साह, सकारात्मक रवैया और युद्ध में जाने का साहस दिखाता है, उसके इन इमोशन को ही वीर रस कहते हैं। इस रस में भी ताल लय बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल उरी, इस मूवी में दिखाया हुआ विकी कौशल का कैरेक्टर, पद्मावत आपने देखी होगी, उसमें शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण उनका कैरेक्टर। तो दोस्तों, आज हमने एक्टिंग के 9 इमोशन के बारे में जानकारी ली। ये इमोशन पढ़ने में जितने इजी लगते हैं, असल में प्ले करते वक्त उतने ही टफ होते हैं। ये सब इमोशन आपको विनय शाक्या लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो में सिखाए जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही हमारे विनय शाक्या लेट्स एक्ट एक्टिंग स्टूडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जल्दी ही हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, जिस ऐप के जरिए आप घर बैठे एक्टिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको एक्टर बनना है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए सबसे अच्छा और किफायती एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो मुंबई। 3 महीने का एक्टिंग ट्रेनिंग और रहने की सुविधा सिर्फ 31,500 रुपए में। जिनके पास रहने की सुविधा है उनके लिए एक्टिंग कोर्स की फीस होगी सिर्फ 15,000। मंडे टू फ्राइडे रोज 1 घंटा क्लास होगी। कोर्स में डिक्शन ट्रेनिंग, कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग और ऑडिशन की तैयारी करके ली जाएगी। कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और मुंबई में होने वाले ऑडिशंस की जानकारी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि आपको प्रोडक्शन हाउस के नाम, नंबर्स और एड्रेस भी दिए जाएंगे ताकि आप अपने सपने पूरे करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखिए जिसका नाम है विनय शाक्या लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी 500 रुपए भर के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाएगा फिल्म सिटी टूर बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, बिना देर किए अपने सपने पूरे करने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। अगर आप एक्टिंग में ही करियर करना चाहते हैं तो हमारे 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर ऐसे और भी एडवांस कोर्सेज हैं, जिनकी जानकारी के लिए दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए।